प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बारिश के कारण सोलन शहर में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। सीएम ने श्यामती के प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और वहीं परिवारों से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने जिला प्रशासन से ये जानकारी भी हासिल की कि यहां पर प्रभावित परिवारों को किस तरह की मदद की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि आने वाले 4 सालों में हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा, इसके लिए सरकार योजनाएं बना रही है। वहीं सीएम ने प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए मदद राशि देने का ऐलान किया। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त हुए मकानों के एस्टीमेट मिलने के बाद उनका मुआवजा देने की भी बात कही। कल तक सभी प्रभावितों को 1-1 लाख रुपया उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आज बैंक बंद हो गया, जो फौरी राहत 10,000 रुपए दी गई है बहुत कम है, और फिर उसके बाद इनके मकानों का असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट करने के बाद जो भी सरकार के साधन है उसमें इनको सहायता प्रदान की जाएगी। ये तो अभी ध्यान में आया, अभी तो पूरे हिमाचल प्रदेश में पानी बहाल करना है, बिजली बहाल करनी है, मोबाइल के कनेक्शन बहाल करने हैं, रोड को बहाल करना है। बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, 5,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान का आंकलन हम मानकर चले हैं, और हिमाचल की जनता भी खुद दान खुलकर कर रही है। मैं उन सभी दानी पुरुषों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस आशा के साथ आप विश्वास कीजिए, 4 साल में हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा। हमने अपनी नीतियाँ को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, और निश्चित तौर पर गरीब आदमी और आम आदमी की ये सरकार है, उन लोगों को आने वाले समय में जो भी सरकार के साधन होंगे उससे उचित सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि सोलन शहर इस वक्त त्रासदी से गुजर रहा है। शहर के श्यामती इलाके में भारी नुकसान हुआ है, कई लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि प्रभावित परिवारों के लिए राहत कैंप लगाए गए हैं, इसके साथ ही उन्हें मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।